अभी अभी व्लॉग अपलोड किया मैंने पिछला वाला, जो कि लाइव किया 5 बजे। एक चीज़ मैंने नोटिस की है पिछले कुछ व्लॉग्स में, ये जो कैमरे का स्ट्रैप है ना, गिरता है या व्लॉग शूट करते हुए, फिल्म करते हुए अक्सर शोर आता है फुटेज में। मैं दिखाता हूँ कैसा शोर। तो देखा आपने वो शोर, ये स्ट्रैप का लगता है मुझे ये ना रिमूव करना पड़ेगा इसको। तो वो स्ट्रैप मैंने रिमूव कर दी है और अब कैमरे को थोड़ा सा मूव करने से या हिलाने से वो शोर नहीं आ रहा जो स्ट्रैप के कैमरे से टच होने से आ रहा होता था। ये अलग कर दिया मैंने। मैंने ये शूज़ लिए हैं और शूज़ लेने की जो रीज़न है वो ये है, यानी कि 600 रुपये। 600 तो बुरे नहीं है मेरे ख्याल। आज ना कोई व्लॉग अपलोड करने वाला है ना कोई वीडियो अपलोड करने वाली है, और आज नेट की स्पीड भी बड़ी ज़बरदस्त आ रही है। दिखाता हूँ, 3 स्टोरीज अभी मैं अपलोड करता हूँ। और अपलोड हो गई हो गई। एक दो दिन होते हैं ब्लॉग अपलोड हुए थे और मैसेज आना शुरू हो जाते हैं इंस्टाग्राम पे, भाई कब आ रहा है नेक्स्ट ब्लॉग। फेसबुक पेज पे भी ये जो मैं बुक पढ़ रहा हूँ ना, इसमें बड़ी काम की चीज़ें पढ़ी हैं मैंने। अभी तो आधी पढ़ी है, इतनी पढ़ी है अभी। देखें ये हिस्सा रहता है, कुछ काम की चीज़ें हैं इसमें, दिखाने की कोशिश करता हूँ। हाँ जी, ये देखें मैं इस तरह पढ़ता हूँ बुक्स, हाईलाइट करता हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ें। जिम रॉन का इसमें एक कोट है, फॉर एवरी डिसिप्लिन्ड एफर्ट देर इज़ अ मल्टीपल रिवॉर्ड। वाह क्या बात है। एक ये बड़ी ज़बरदस्त बात इसके अंदर पड़ी थी, देखें, देर इज नो सच थिंग एज फेलियर, देर आर ओनली रिजल्ट्स। वाह क्या बात है। हाँ, ये बात जरा इस पर ज़रा गौर फरमाएं जो मैंने हाईलाइट की हुई है बात। इफ़ यू लुक एट सक्सेसफुल पीपल इन एनी फील्ड यू विल फाइंड दे आर नॉट नेसेसरीली द बेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट, द फास्टेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट। यू विल फाइंड दे आर द वंस विद द मोस्ट कमिटमेंट। क्या बात है यार, क्या। एनीवेज, जब इस बुक का रिव्यू बनाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा मजीद अनलिमिटेड पावर के मुताबिक। अभी मैं ज़रा कुछ खा लूँ, मुझे भूख लग गई है, चाय वाय पी लूँ, फिर आगे आपको एक बात बताता हूँ इरफान भाई से रिलेटेड। से ना मैंने कलर ग्रेडिंग वगैरह को थोड़ा थोड़ा छेड़ना शुरू किया, क्योंकि मुझे नहीं पता कलर करेक्शन का, कलर ग्रेडिंग का मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। बल्कि इरफान भाई की मैं स्नैपचैट पे देख रहा था, उन्होंने कुछ दिन पहले थोड़ा सा अपने सॉफ्टवेयर से बताया था कि कलर करेक्शन कौन सी है और कलर ग्रेडिंग क्या होती है, तो उससे काफ़ी मुझे हेल्प मिली थी। अगर आप लोगों ने स्नैपचैट पे फॉलो नहीं किया अगर इरफान भाई को, तो फॉलो करें उनको स्नैपचैट पे। अरे बल्कि मैंने उनको एक चीज़ भी कही थी,
काफ़ी दिन पहले मैंने उनको कहा था इरफानवी आप एक व्लॉग बनाएं जिसका नाम रखें जुनेजो गाइड टू स्नैपचैट, क्योंकि मुझे भी स्नैपचैट की इतनी समझ नहीं थी और अभी भी नहीं है, मुझे इतना आइडिया नहीं है स्नैपचैट का। तो इरफान भाई ने बनाया ही नहीं वो व्लॉग अभी तक, तो इरफान भाई प्लीज़ बनाएं वो व्लॉग, उसका नाम रखें जुनेजो गाइड टू स्नैपचैट। और अगर आपको लग रहा है कि मैंने क्या कॉलर लगाया हुआ, कॉलर का बटन बंद किया हुआ है, तो ऐसी बात नहीं है, वो मैं पिछले शॉट में थोड़ा जैसे चंपू सा लग रहा था तो मैंने उस चीज़ सही कर ली।